अब ये वाली बाउंड्री तो हमारी जरिए जीरो हो गई। उसने क्या बोला है यहाँ पर लास्ट में कि ये करंट फ्री है, ये क्या है करंट फ्री है। सो दिस रीजन विल बी जे इज इक्वल टू जीरो, दैट इज माय सरफेस करंट विल बी जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या पॉइंट नोट करना है, यहाँ पर जो इसका आपका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, n12 हो जाएगा जो कि z डायरेक्शन है। यहाँ पर उसका ऑपोजिट होगा तो -n हो जाएगा, राइट। इतनी चीजें हम लोगों को क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो आई एम चेंजिंग द पेज, सो आई एम चेंजिंग द पेज। सी अब हमारे पास h1 जो है वो क्या दिया हुआ है कि 3x प्लस 6y प्लस 9z, ओके, ये हमें दिया हुआ है एम्पियर। अब हम जानते हैं ये क्या होगा और ये क्या होगा। ये हमारा नॉर्मल कंपोनेंट होगा और ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। ये कैसे निकलता है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया। सो फॉर दैट रीजन एक चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि एच टी वन माइनस एच टी टू इक्वल टू जे एस होता है। ठीक है, और ये जे एस मेरा जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दिया हुआ है। दैट मीन्स कि HT2 इज इक्वल टू HT1, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये मेरा 3x plus 6y के बराबर होगा। नाउ अब नॉर्मल कंपोनेंट की बारी आती है और हम जानते हैं कि BN2 इज इक्वल टू BN1 होगा कि नहीं। तो ये बोल सकता है क्या कि μ2H2 इज इक्वल टू μ1H1। हाँ, और जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो n2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, μ1/μ2 hn1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मेरे पास तो दिया हुआ है μ3μ1/9μ1/9z, ये क्या हो जाएगा 3z के बराबर हो जाएगा। ओके, सो फाइनली मेरा ये क्या हो जाएगा, h1 जो होगा वो क्या हो जाएगा HT1 प्लस HT2। ठीक है, सॉरी HN, सो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो मैं H2 निकालने को बोला था। H2 क्या हो जाएगा, HT2 प्लस HN2, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3x +6y +3z एम्पियर पर मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताएंगे और उस कंसेप्ट के बाद जिसमें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जे और नॉर्मल कंपोनेंट तीनों इंक्लूडेड होंगे और कैसे हम लोग उसको बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके और डायरेक्शन करके निकालते हैं। एक बात याद रखना, ये तीनों राइट हैंड स्क्रू रूल से काम करते हैं। क्या कहते हैं, राइट हैंड स्क्रू इससे काम करते हैं। सो फॉर दैट रीजन, सो ये मेरा दूसरा वीडियो है जिसमें कि मैं ये बाउंड्री क्वेश्चन कंडीशन से ही रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। एंड इन दैट आई हैव डिस्कस नॉट नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं, इसके हाईलाइट करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या है। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट करता है। ठीक है, जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट करता है और उसमें एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। ठीक है, तो अगर मैं जेड माइनस जीरो जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा लोअर मीडियम हो जाएगा और एक अपर मीडियम जेड ग्रेटर देन जीरो का होगा। ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट हम लोग इसके डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और फिर देखते हैं कि इसको कैसे करना है। एक थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगी और z। नेक्स्ट
नेक्स्ट मैं ये कहूंगी सब कि अब हम एक बाउंड्री बनाएंगे जो कि मेरी एक सरफेस बाउंड्री होगी कुछ इस टाइप, दिस विल बी माय सरफेस बाउंड्री, और एक पॉइंट इधर है और एक इधर है, ठीक है, और ये हमारी जेड इजिकल टू जीरो। तो अगर मैं इस साइड को एक लूँ आपका वन फर्स्ट मीडियम और इसको मैं सेकेंड मीडियम कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम वन क्या है स्मॉलर देन जीरो और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे म्यू वन होगा जो कि थ्री म्यू नॉट के बराबर है और यहाँ पे म्यू वन म्यू टू होगा जो कि नाइन म्यू नॉट के बराबर है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस क्या थी हमारे, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशंस जिससे हम लोग एक कंक्लूजन इक्वेशन निकाले थे वो क्या था कि एच टी वन माइनस एच टी टू इज इक्वल टू जी। क्या आप कह सकते हो कि ये दोनों बराबर हैं? नो, दिस इक्वेशन इज नॉट वैलिड। क्यों ये वैलिड नहीं है? बिकॉज ये दोनों लाइक वेक्टर्स नहीं है, एल एच एस एंड आर एच एस आर नॉट लाइक वेक्टर्स, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस, सो आई कांट से दे मीन द सेम। तो इसको हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सो हाउ कैन आई रेक्टिफाई, हम लोग एक नॉर्मल कंपोनेंट को लाके इसको रेक्टिफाई करेंगे। सी हाउ कैन आई डू दिस, एच टी वन माइनस एच टी टू यहाँ पे हम एक क्रॉस प्रोडक्ट करवा देंगे इसके साथ यूनिट वेक्टर, ठीक है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, और फिर ला देंगे जे एस। तो नाउ माई इक्वेशन बिकम कंप्लीट, नाउ माई इक्वेशन बिकम कंप्लीट। और देखो इसको हम कैसे ड्रॉ करके आपको दिखा भी सकते हैं, कैन आई शो यू। सी अगर सोचो ये मेरा इंटरफेसिंग सरफेस है, यहाँ पे मेरे मैग्नेटिक फील्ड के चार्जेस बैठे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरे मैग्नेटिक फील्ड के चार्जेस बैठे हैं। तो इस सरफेस का नॉर्मल क्या होगा, ये होगा जिसे मैंने एन वन टू सोचो नाम दे दिया है, इधर पर ये इनफाइनाइट पर है, यहाँ पे ये सरफेस जो है दोनों इनफाइनाइट साइड पर है, ठीक है। और ये जो गोल गोल है ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज माय करंट, सरफेस करंट, सरफेस करंट क्या होगा, जे एस इज इक्वल टू किस में आएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर में आएगा, ओके। सो इफ आई एम सेइंग दिस इज माय सरफेस टू मीडियम टू एंड दिस इज माय मीडियम वन, तो अगर इस डायरेक्शन में हमारा एच टी वन है, इस डायरेक्शन में अगर एच टी वन है तो एच टी टू को इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, एच टी टू को इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा। और यहाँ पे जो थंब रूल काम करता है, तो कौन सा थंब रूल काम करेगा, लेट्स चेंज द पेज, लेट्स चेंज द पेज, एच लेट्स चेंज द पेज एंड आई एम सेइंग दैट कि जो थंब रूल काम करेगा, राइट, नॉट नॉट थंब रूल, इट इज अ स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू, ओके आई एम सॉरी, राइट हैंडेड स्क्रू जो यहाँ पे काम करेगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा एच टी वन माइनस एच टी टू, एच टी टू एक तरफ जाएगा और ये वापस आएगा हमारे ए पर एन वन टू के, और फिर ये जाएगा जे एस पर और जे एस फिर यहाँ। तो ये गोल गोल इसके डायरेक्शन होंगे और हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फाइनली जो हमारे इक्वेशंस बने, इक्वेशंस बिकम, सो द डायरेक्शनल इक्वेशंस, जो डायरेक्शनल इक्वेशंस बने वो क्या बनेंगे कि एच टी वन माइनस एच टी टू क्रॉस एन वन टू अगर मैं कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा जे एस बराबर, या मैं अगर ऐसे करूँ कि एच टी वन माइनस एच टी टू, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा मेरे एन वन टू क्रॉस जे एस के, या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ जे एस को क्रॉस कर दू एच टी वन माइनस एच टी टू से और ये बराबर हो जाएगा एन वन, ओके। सो दिस इज माई द रूल वर्किंग, ठीक है। और ये वेरिएबल्स एक दूसरे के क्या है, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर, ऑल दीज आर
परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऑल दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो इसके बेस हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आप लोगों को इजी होगा ये सॉल्व करना। सो लेट अस गो फॉर द न्यू क्वेश्चन एंड आई विल ओपन माय क्वेश्चन नंबर 7। ओके आई विल ओपन माय क्वेश्चन नंबर 7 एच आई विल शेयर दिस पीडीएफ आल्सो डोंट वरी माय चैनल। सो सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इसके हाइलाइटेड पॉइंट्स है क्या है। यहाँ पे हमारी एक प्लेन दी हुई है जेड इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, और वो दो मीडिया को सेपरेट कर रही है जहाँ पर स्मॉलर देन और ग्रेटर देन जीरो है। यहाँ पर एच वन हमें दिया हुआ है और बोला है कि अब हमारे पास एच है, प्रीवियस क्वेश्चन में एच हमारा जीरो था देखो, लेकिन इस क्वेश्चन में एच की वैल्यू हमें दी हुई है तो एच टू निकालना है, ठीक है, एच टू निकालना है। पहले हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, लेट अस ड्रॉ द डायग्राम। पहले तो हम तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करेंगे, ओके, दैट इज वाई एक्स एंड जेड, ओके। अब क्या कहेंगे, अब मेरा ये सेपरेटिंग रीजन बनेगा, सेपरेटिंग रीजन बनेगा, ओके, ये बन गया मेरा सेपरेटिंग रीजन। अब मैंने बोला कि यहाँ पर जेड इज इक्वल टू जीरो है और यहाँ पर जो मेरा करंट डेंसिटी है वो जे एस है, पहले ये जे जीरो था, अब ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस और ये एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैं कहूंगी कि नाउ आई विल से यू दिस रीजन इज जेड इज ग्रेटर देन जीरो एंड दिस रीजन इज जेड इज स्मॉलर देन जीरो, और यहाँ पर एच वन बता दिया गया है वो क्या है हमारा, देखो एच वन हमारा ये है, व्हाट इज टू एक्स प्लस y plus 6z, okay, 2x plus 4y plus 6z, okay, और इसके लिए ये क्या होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर होगा तो n 1 2 हो जाएगा ये डायरेक्शन, और साथ में मुझे h2 जो इस साइड में है इसको फाइंड आउट करना, h2 जो मेरा इस साइड में है इसको फाइंड आउट करना। तो टेल मी हाउ कैन आई फाइंड आउट व्हाट आई हैव रिटन, it is amperometer. So come on, I will change my page. Change my page and see how can I solve this one. How can I solve this one? So for this, पहले तो हम ये boundary conditions निकालेंगे. ये तो हमें दिया ही हुआ है, H1 तो हमें दिया हुआ है, और हम जानते हैं क्या, ये tangential component होगा तो H21 हो जाएगा और ये ये पहली चीज हमने कर ली। अब नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो मैंने लिख दिया, अब मैं क्या करूंगी, अब बी पर आ जाऊंगी। बी क्या बोलता है, बी एन टू इज इक्वल टू बी एन वन, तो इसको मैं लिख सकती हूँ म्यू के साथ, म्यू टू एच टू इज इक्वल टू म्यू वन एच वन, ये नॉर्मल कंपोनेंट के साथ जाएगा, सर नॉर्मल कंपोनेंट के साथ जाएगा, तो ये एच एन टू जो होगा ये म्यू वन अपॉन म्यू एच एन वन के साथ होगा, और एच वन एन वन हम यहाँ से निकाल चुके हैं और म्यू हमारा दिया हुआ है, तो फॉर दैट रीजन ये क्या हो जाएगा, टू म्यू नॉट अपॉन फोर म्यू नॉट इंटू सिक्स जेड, सो म्यू नॉट वन अपॉन टू हो गया, दो ये थ्री हो गया, दो थ्री जेड हो गया हमारा क्या, ये एच एन। नेक्स्ट नेक्स्ट मैंने अभी आपको राइट एंड स्क्रू रूल, राइट एंड स्क्रू रूल बताया, वो क्या था, क्या एच टी वन माइनस एच टी टू अगर ये जा रहा है आपके पास एन वन टू के पास तो ये वापस जाएगा कहाँ, जे एस के पास, जे एस जाएगा वापस इसके पास, सो दीज थ्री आर ऑर्थोगोनल सेट्स, दीज थ्री आर ऑर्थोगोनल
these three are my orthogonal sets. Orthogonal sets. Okay. So these three are my orthogonal sets, and these orthogonal sets form what? क्या हो जाएगा हमारे पास एच टी वन माइनस एच टी टू इज इक्वल टू एन वन टू इंटू जे एस एन वन टू इंटू जे एस सो वट आई विल गेट अब इसका ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो हमें एच टी टू निकालना है हमें एच टी टू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा ये हमारा एच टी वन माइनस एन वन टू क्रॉस जे एस हो जाएगा ठीक है ये हमारा है तो एक बार अगर फिर से हम इस क्वेश्चन को रिवाइज करें See, if I open once again the last question, what is this one? Okay. First, I save this. I open my question, that is one, this one. Okay, so see, this is my all key points. ये हमारा डायग्राम बना और डायग्राम बनाने के बाद हमने इसको ऐसे सॉल्व किया जिसमें मैंने बोला कि ये क्या है हमारा ये हमारा आपका एच है ये बाउंड्री कंडीशंस ऐसे निकाले रूट लगाया फिर हमने फाइनली ये क्या किया कि बोला कि ये जो एच टी टू है ये कैसे आएगा टी वन और एन वन टू के हेल्प से सो आई एम ओपनिंग न्यू पेज अगेन एंड व्हाट शुड आई से हम कहेंगे कि हम इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज को तो एच एच हमारा टी टू आएगा जो कि टू एक्स तो पहले से हम लोग इक्वल टू कर चुके हैं वाई माइनस अब इसका कंपोनेंट क्या था जेड कंपोनेंट था ना डायग्राम में देखिए क्रॉस हमारा हो जाएगा थ्री एक्स प्लस फोर वाई ठीक है थ्री एक्स प्लस फोर वाई और हम जानते हैं क्या कि यहाँ पर ये एक्स वाई जेड एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं एक्स वाई जेड का तो फाइनली मेरा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ का तो टू एक्स प्लस फोर वाई आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट बनाएगा जेड के साथ ठीक है तो ये क्या आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट बनाइए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 13 आ जाएगी माइनस 13 आ जाएगा ये 1 है और ये 3 है तो 1 इंटू 3 3 हो गया और माइनस के साथ आएगा तो माइनस 3 जेड है और एक्स है जेड है और एक्स है तो क्या आ जाएगा वाई कंपोनेंट के साथ आएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस फोर हो जाएगा जेड है और वाई है वापस जा रहा है माइनस के साथ प्लस आ जाएगा फोर एक्स आ जाएगा ठीक है सो व्हाट शुड आई राइट आई विल राइट इट एज सिक्स एक्स एंड प्लस वाई सिक्स एक्स प्लस वाई तो ये एच टी टू मेरा सो एंड आपका एच टू क्या हो जाएगा एच टी टू प्लस एच एन टू तो ये क्या हो जाएगा हमारा सिक्स एक्स प्लस वाई प्लस थ्री जेड एम्पियर ओके सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्या है देखते हैं This is the last question. Today I will discuss in this video. और ये gate का question है. Okay. अब this is very common और इसको one hand से solve कर सकते हैं अगर हमें concept पता हो तो. So यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ कि region है यहाँ पर एक जो कि perfectly conducting का region है. ठीक है. एक हमारा half space है और एक air का है. Conducting space है एक
और एक एयर का स्पेस है जहां पे हमें सरफेस करंट जो है, सरफेस करंट केस जो है वो दी हुई है, ठीक है। हमें टेंजेंशियल फील्ड ऑफ एयर जस्ट अबव द परफेक्ट कंडक्टर, मतलब एयर की जो टेंजेंशियल फील्ड है जस्ट अबव द कंडक्टर निकालते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सोच लीजिए कि हमारा जो दो मीडिया सेपरेशन हो रहा है, एक वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, ओके। वन और टू, दो हमारा मीडिया सेपरेशन है। नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि एक तरफ ये बाउंड्री लेवल, अगर मैं कह दूँ इसको, एक मैं बाउंड्री लेवल बना रही हूँ जो कि मैं वाई का बना रही हूँ, वाई इज इक्वल टू एन वन, ओके। अब मैं क्या करूँगी, एक बोल रही हूँ कि लेयर हमारी एयर की है और दूसरी परफेक्टली कंडक्टर की है। तो अगर मैं इसको परफेक्ट कंडक्टर बोल दूँ, कंडक्टर का है और ये क्या है, एयर, ओके। सो अगर मैं यहाँ पे केस बोल दूँ जो कि मेरा दिया हुआ है 2x, ठीक है। अब इधर से इधर तक की बाउंड्री मुझको जानी पड़ेगी, इधर से इधर तक की बाउंड्री मुझको जानी पड़ेगी, और मैं कहूँगी क्या कि जो मेरा वाई है वो हमारा एन वन, मतलब जो नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ओके। नाउ आई विल स्टार्ट सॉल्व। अब देखो, जैसे देखो वन डायमेंशन हम लोग जेएस की बात करते हैं, टू डायमेंशन में हम लोग केएस की बात करेंगे, सॉरी ऐसे करते हैं हम, चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ये जो जाते हैं ना स्क्वायर की तरह फॉर्म में निकल आते हैं, सो लीव इट ऑल दोस थिंग्स। फर्स्ट आई विल से यू कि हमारे पास जो एच के साथ जो कॉम्बिनेशन था, चाहे वो कितने भी डायमेंशंस ले, वही था। ठीक है, सो व्हाट आई विल से दैट एच टी वन माइनस एच टी टू इक्वल टू एच वन टू इनटू तुम्हारा जे के साथ, इसे इक्वल टू क्या होगा, सो अब मैं क्या करूंगी, ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इनसाइड द कंडक्टर फील्ड्स नहीं होते, सो इनसाइड द कंडक्टर मैं कहूंगी ऑल फील्ड्स आर जीरो, ऑल फील्ड्स आर जीरो, ओके। सो यहाँ पे बचा क्या, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, एच टी टू बचा जो कि जे एस या के एस लिखना ज़्यादा बेटर रहेगा, के एस इंटू एन वन टू, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स इंटू वाई, एक्स वाई का क्या आएगा आंसर, जेड आएगा ना, तो एच टू टू मेरा क्या हो जाएगा, टू जेड एन, ओके। सो ये मेरा आंसर। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई है, एंड जस्ट विजिट, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर, आई विल पोस्ट द पीडीएफ ऑफ दिस थिंग, ओके, दिस एलेक्स एच यू ऑफ दिस, ओके। आई विल पोस्ट ऑल द पीडीएफ्स, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट एलेक्स एच यू ऑफ कॉम, यू कैन गो फॉर बेस्ट, थैंक यू।